जय गुरु। चलिए आज बिजनेस में पंचनीति जो श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं जो पालन करना है और सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है, पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा बोले हैं उसके बारे में आलोचना करेंगे। व्यवसाय पंचनीति श्री श्री ठाकुर कहते प्रथमतः नियमित इष्टवृत्ति पारायण हो भीतर बाहरे मिष्ट सेवा प्राण व्यवहार, द्वितीयतः दैनंदिन हिसाबपत्र सह उन्नतिमुखी लाभजनक परिचालना, तृतीयतः प्रत्येक पर्यवेक्षण, चतुर्थ होउछि कथार खिलाफ न करिबा, पंचम होउछि लाभर अंततः एक चतुर्थांश नियमित मूलधन रे जोग करिबा। श्री श्री बड़दांग कथित साफल्यर चाबिकाठी होउछि व्यवसाय करे मनीष मनीष सहित, जने विक्रेता और जने क्रेता, तेणु व्यवसाय रे सफल होबाकु हेले प्रथमे कर्तव्य निजर चलन कथन एपरी भाव नियंत्रण करिवा जेपरिकी घरे बाहरे प्रति प्रत्येक श्रद्धा करती भल पाती विश्वास करती प्रति प्रत्येक सहित एपरी हृदय व्यवहार करिया को हुए जेपरी से ही मधुर व्यवहार रे पाइबार आकांक्षा जोगु ताकु बारंबार फेरी आसिया को हुए। मनीष सहित प्रीतिर यही सहज संपर्क स्थापन करिपारले व्यवसाय काहीकि जीवनर प्रत्येकटी क्षेत्र में सफल मिलिपारे। व्यवसाय में पंच नीति जो नियम पालन करना है से श्री ठाकुर बोल रहे हैं, प्रथम तो नियमित इष्ट वृत्ति परायण हो के बाहर और अंदर में मीठी सेवा प्राण व्यवहार करना है, द्वितीयतः अपने दैनदिन हिसाब पत्र के साथ उन्नतिमुखी लाभजनक परिचालना करना है, तृतीयतः प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या सुपरविजन करना है, चतुर्थतः बातों में खिलाफ ना करना है, पंचमतः लाभ का एटलीस्ट 1/4 या 1/4 नित्य प्रिंसिपल अमाउंट में जो करना है या एडिशन करना है। श्री श्री बड़ौदा बोले कि सफलता पाने के लिए ये करना होगा, बिजनेस करते हैं मनीष मनीष के साथ, एक विक्रेता और एक क्रेता, इसलिए व्यवसाय में सफल होने के लिए प्रथम कर्तव्य अपना चलन कथन इसी भाव से नियंत्रण करना होगा, जैसे घर में बाहर में एक दूसरे के लिए श्रद्धा होगा, प्यार करना होगा और विश्वास करना होगा, एक दूसरे के साथ ऐसे हृदय व्यवहार करना होगा जैसे उसी मधुर व्यवहार पाने का आकांक्षा के लिए उनको बार बार वापस आना होगा, मानुष के साथ प्रीति का ये सहज संपर्क स्थापन होने के बाद व्यवसाय या बिजनेस जीवन का सभी क्षेत्रों में सफल मिल पाएगा। जय गुरु।